निकाल के दोनों चीज मैंने साइड में रख दी, शायद मैं यूज करूंगी, मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ. तो नाउ आई विल स्टार्ट दिस बिकॉज दिस इज माई प्रियोरिटी. सो आई लाइक इट, दिस इज माई हैबिट कि मैं हर बैग में मेरा. सो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे. घर पे आने के बाद अब मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं क्या करूँ. मेरी हालत सोने का मन कर रहा है. देखिए आप मेरी एक आई यहाँ से लेट हो रही है, अगर आपको नजर आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि मुझे अभी प्रॉपर नींद की जरूरत है. बट एनी वेज आज मैंने अभी ख़त्म की अपनी मीटिंग और आज का जो सेगमेंट है मैं सोच रही हूँ आपको व्हाट्स इन माई बैग, मेरे बैग में क्या क्या रहता है वो दिखाऊँ. जब से मैं दुबई से वापस आई हूँ बॉम्बे, और तब से मेरे बैग में से कुछ भी नहीं निकला है. कुछ थोड़ा बहुत सामान निकला है, नहीं तो मेरे बैग भरा हुआ है. आई थॉट आई शुड शो यू कि मेरे बैग में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं लेके अपने साथ में चलती हूँ. आधे से ज़्यादा तो मुझे खुद नहीं पता है गाइस, मैं भूल गई, बट आपको दिखाना चाहती हूँ क्या क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा वॉलेट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और ये मेरा इतना पुराना वॉलेट है, मैं इसको चेंज ही नहीं करती हूँ यार. आई डोंट नो व्हाई सडनली मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैं क्यों चेंज नहीं करती हूँ. चेंज तो मुझे करना चाहिए, करूँगी डेफिनेटली. आई नीड टू बाय न्यू वन, या फिर मैं आई नीड टू बाय न्यू वन. बैग्स चेंज होते हैं मेरे, लेकिन वॉलेट चेंज नहीं होता. एंड आई हैव दिस, ये तो मैं इसकी तो स्टोरी मैं आपको बताऊँगी. ये है छोटी सी डब्बी जिसके अंदर रखी है माला. और आपको लगता होगा मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी भक्त हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने अभी सोचना शुरू किया है और अब ये रखना भी शुरू कर दिया है. मैं सोच रही हूँ कि आई शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग, या फिर मैं चांटिंग करना शुरू कर दूँ. ऑफकोर्स वन ऑफ द सेम थिंग. तो इसलिए मैंने ये माला अपने साथ में रखी है. और ये सोच के मैं इसको साथ में दुबई लेके गई थी कि मुझे भी टाइम मिलेगा मैं 10 मिनट निकालूंगी और चांट करूंगी फॉर नाइस कामनेस के लिए और पीस फील करने के लिए. लेकिन पीस की तो कोई जगह ही नहीं थी. चांटिंग तो भूल जाओ, मेरी चांटिंग कुछ नहीं हुई. मेरी खुद की जिंदगी इतनी बिजी हुई कि मैंने अपने खुद का सोशल मीडिया, फोन वगैरह कुछ भी नहीं ज्यादा मैं चला पाई हूँ. तो नाउ आई विल स्टार्ट दिस बिकॉज दिस इज माई प्रियोरिटी, आई हैव टू स्टार्ट दिस. सो आई हैव, दिस इज माई शिनेल. वॉट इज दिस? कंसीलर. माई आई पैच फॉर माई हेयर एंड दैट्स इट. ये दोनों चीजें मैंने मेरे बैग में पड़ी हुई. आई हैव नो आइडिया व्हाई, शायद मैंने अपना नाइट सूट ओपन किया था तो उसमें से निकाल के दोनों चीज़ मैंने साइड में रख दी, शायद मैं यूज़ करूँगी, मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ. तो मुझे अब पता लग रहा है कि मुझे अपना ब्लैक बैग क्लीन करने की ज़रूरत है. मेरा फेवरेट बैग, और इसको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ. अभी टाइम आ गया है मुझे दूसरा एक बैग यूज़ करने का. एंड मैं आपको बताऊँ, मैं हर बैग में मेरे कुछ ना कुछ पड़ा रहता है हमेशा. मेरा एक लिपस्टिक और कुछ कैश मेरे हर बैग में रहता है. और मुझे कभी कभी जब मैं दूसरा बैग यूज करती हूँ और कब सडनली मुझे कैश की जरूरत पड़ती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, अरे वाह मिरेकल मिरेकल मैंने इसमें कैश रखा हुआ है. सो आई लाइक इट, दिस इज माय हैबिट कि मैं हर बैग में मेरा परफ्यूम, लिपस्टिक एंड लिटिल बिट कैश हमेशा रहता है. और जब आप भूल जाते हो ना अपने सामान को और अचानक से मिलता है, यार ये तो नाइस लिपस्टिक शेड है, अरे यार इसमें ये भी है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है. सो नाउ टाइम हैज कम गाइस कि जब मैं अपना दूसरा बैग चेंज करूं. और टाइम आ गया है जाने का. ये था आज का मेरा दिन. दिन में मैंने आपको क्या दिखाया, मेजरली इज माई बैग, मेरे बैग में क्या रहता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ. और अब मैं इस बैग को चेंज करूँगी डेली रूटीन के हिसाब से. थैंक गॉड मैंने आज ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए. मुझे पता चला कि मुझे अपने बैग को कितना ज़्यादा और सॉर्टेड करना है. सो इसी बात पे आई वांट टू से थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू टुमारो इन माय नेक्स्ट वीडियो. आप मुझे बताइएगा इसी तरह कुछ और आपको इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखना है, जैसे कि व्हाट्स इन माय बैग टुडे. आई हैव डन दिस वीडियो फॉर यू ऑल. और कुछ भी नया आपको अगर देखना है तो प्लीज मुझे बताइएगा. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. कॉल यू विका चौधरी, लव यू ऑल.